टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से हम लोग 40 लोग आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से जब नमामि गंगे, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, तो उससे जुड़ करके ये अभियान हमने हरिद्वार से शुरू किया। पूरा एक महीने का होगा। हम राफ्टिंग के द्वारा करीब 1500 किलोमीटर हम राफ्टिंग करेंगे, थोड़ा एडवेंचरस वे में, थोड़ा साहसिक वे में, क्योंकि गंगा क्लीनिंग के लिए भी साहसिक लोग चाहिए। तो वो हमने वहाँ से शुरू किया और हर बड़े शहर में हम लोग 3-3 दिन रह के क्लीनिंग कर रहे हैं और साइड बाई साइड स्कूल्स वगैरह इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर जाके अवेयरनेस जागरूकता, ताकि आज के बच्चे कल के एक जागरूक नागरिक बने और गंगा माँ की महत्ता को प्रैक्टिकली समझे, अंधविश्वास को लेकर के नहीं कि माँ गंगा है सब कुछ पवित्र होता, सब कुछ विसर्जन कर लो, जरूरी है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस प्रयास में और अभी जुड़ने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैं जुड़ी हूँ, मेरी टीम जुड़ी है, मेरे टीम में बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, IITians मुंबई, IITians रुड़की एंड सो मेनी 8 लोग जो एवरेज चढ़े हैं वो लोग हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और कुछ इंजीनियर्स हैं, तो ये लोग सब मिल के कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम मिलजुल के ये काम होगा, ये एक एक्सपीडिशन, एक अभियान, हमारा अभियान दल। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं संस्थाएँ, जैसे एक गंगा बिहार मंच, विचार मंच का कुछ लोग देखे बहुत ही सिंसियरली, नगर निगम सब लोग कर रहे हैं। तो ये उन्हीं का ही जिम्मेदार नहीं है, ये सब लोगों को भी और जो यात्रा में आके वो जो सब कुछ अंधविश्वास के चलते पाप लेके जा रहे हैं, ये उनका सब लोगों को जागरूक करने का और सब लोगों को जुड़ने का ज़रूरत है।